नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुपर्णा। रोजगार यानी कि आम आदमी की समस्या। आज का युवा जो कि राष्ट्र का निर्माता है, भारत का भविष्य है, इसकी सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में हो गई है रोजगार। ऐसे रोजगार की समस्या से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है हमारे पास, जो कि है परीक्षा नीति से संबंधित। हमारे सूचना एवं प्रसारण अधिकारी, उनके मुताबिक परीक्षा नीति में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन किया गया है। देश के 3 करोड़ युवा जो कि रेलवे, एसएससी और बैंक, इन तीनों से संबंधित अलग अलग फॉर्म भरकर अलग अलग परीक्षाएं देते थे, इससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि अब तीनों की अलग अलग परीक्षा ना होकर तीनों की परीक्षाओं को एक साथ ही कराया जाएगा। इस परीक्षा को CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। अब किस यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसी भी युवा जो कि सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, उसे सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद वो चाहे रेलवे का एग्ज़ाम देना चाहे, चाहे SSC का, चाहे बैंक का, वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। इस एग्ज़ाम में आपके जो नंबर आएंगे, इसकी वैधता 3 साल तक होगी, यानी कि 3 साल तक आपके उस नंबरों को माना जाएगा। हमारे सूचना एवं प्रसारण अधिकारी के अनुसार, जैसे कि पहले होता आया है कि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते थे वो अलग अलग एजेंसियाँ कराती थी, अब ये एजेंसी भी एक हो गई है, यानी कि सिर्फ एक ही एजेंसी पूरे भारतवर्ष में काम करेगी, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा जो भी एलिजिबल है उस पद के लिए, यानी कि एक ऐसी एजेंसी जिसका गठन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस समिति का नाम NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी रखा गया है। इसके गठन की प्रक्रिया के लिए अनुमति केंद्र सरकार से मिल गई है और जल्द ही उम्मीद है कि इसका गठन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ट्रैवलिंग की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और नीति यह भी बनाई है कि देश के 117 जिलों में करीब 1000 सेंटर्स का निर्माण कराया गया है। और अब जो भी परीक्षाएं होंगी, कोशिश ये की जाएगी कि आपके जो भी ट्रैवल हो वो कम से कम हो। भविष्य में ये जो आपकी जो भी सेंटर्स है, इनको और भी बढ़ा के इनकी सीमा को बढ़ाने की भी नीति चल रही है। गौरतलब है कि जो भी ये एग्ज़ाम्स को देने के लिए खुद को अपीयर करेंगे, उनकी एक अधिकतम आयु सीमा निर्धारित होगी। इस आयु सीमा के अंतर्गत आप बार बार अपने परीक्षा फल को और बेहतर कर सकते हैं और निष्पक्ष रूप से आपका चयन हो सकता है। धन्यवाद।